तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका प्यारा सा होस्ट VIP और आप देख रहे हैं VIP SK गेमिंग। हालांकि गेम थोड़ा छोटा बना दिया है मैंने, इसमें कोई चिकन डिनर नहीं हुआ है दोस्तों, ये एक रिकॉर्डेड गेम है। तो मैं शायद कल खेल रहा था इस गेम को, तो उसमें से अच्छा किल मिला था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब के कारण आप मेरे वॉइस में भी पता चल रहा होगा मेरा तबीयत ख़राब है, इसी वजह से 3 दिन तक ने गेम प्ले नहीं डाल पाए। तो कोई ना, तो इधर बॉट समझ के एक बंदा आ जाता है, शायद बॉट होगा क्योंकि वो स्क्वाड उतरा था। तो M16A4 काफ़ी डैमेज देता है दोस्तों, तो इसकी वजह से हम उसको कर देते हैं पूरा फिनिश भाई, नॉक करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्क्वाड उतरा है ऊपर एक बंदा, तो उसे भी कर देते हैं नॉक एंड फिनिश, क्योंकि इसका एमो ख़त्म वो तेरी। तो कोई ना, तो उससे मारने के बाद भाई दोस्तों इतने बंदे उतरे थे, देखो चलती हुई गाड़ी जा रहा है। तो भाई ऐसा सिचुएशन क्यों है, क्योंकि आप स्क्वाड देखो साथ में नहीं खेल रहे, तो भाई जो भी हो, कोई रैंप पुश कर रहा है, कहीं सेबली उतर रहा है, लेकिन हम तो उतरे थे वेयर हाउस के मेरे एक दोस्त को, लेकिन वो अलग हो गया मेरे से। तो कोई बात नहीं, इधर 3 किल तो मिल चुका है और एक फुट टाइप और फायर की साउंड, अरे बॉट। तो कोई ना यार, किल तो किल होता है, बॉट हो या बंदे। तो 5 किल इधर मिल चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब शॉर्ट गन भी मिल गए, अब रश करते हैं, क्योंकि भाई जो भी है 3 नंबर आसपास है। तो इधर तो एक बॉर्ड दिखा या बंदा, पता नहीं 2x के वजह से पता नहीं चला, लेकिन ये शायद बंदा है क्योंकि भाग रहा है, शायद एक ही बंदा जो गाड़ी जलती गाड़ी लेके आ रहा था यही बंदा है। तो भाई थोड़ा एम नहीं जा रहा है क्योंकि 2x है, 2x में कुछ नहीं दिखता है, तो स्कोप नहीं मिलेगा, तो यही आपका बड़ा स्कोप है ही समझ लीजिए। तो कोई ना, उसे कर देते हैं नॉक एंड फिनिश। उसके फिनिश करने के बाद इधर एक बंदा देखा, वो कि बंदा नहीं था, बॉर्ड था, उसे फायरिंग करने के लिए मैं फायरिंग किया, कोशिश नहीं तो फायरिंग किया, लेकिन किल नहीं मिला। अचानक देखा तो मेरा दोस्त वो किल चुरा लिया। तो कोई ना, लेकिन यार दोस्तों इधर 1 नंबर मतलब नॉक एंड फिनिश हो गया था पूरा आगे, तो आप मैप में देख रहे हैं। तो हमने सोचा भाई कौन एक ही या दो बंदा हुए, तो उसके ऊपर हम मार देते रस। तो इधर जो बंदा था, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये आप अगर साथ में नहीं खेलोगे तो ये सब होगा, लेकिन छोड़ो जाने भी दो। लेकिन इधर आया तो बंदा कैंपिंग कर रहा था, सोचा एक बंदा है तो उसे शॉर्ट गन में मार देते हैं यार, थोड़ा शॉर्ट गन आज पकड़ाया तो। लेकिन यार नहीं, वो पीछे से बंदा शॉर्ट गन से मुझे मार रहा था भाई, तेरी यार एक 1 HP दोस्तों, 1 HP में मुझे छोड़ा है, कोई ना। तो इधर हम बैंडेज करके थोड़ा दूर देखते, एक स्क्वाड है, तो उसे भी 2x तो नहीं है, डैमेज देने की कोशिश में मेरा ही डैमेज यार, रिवाइव कर दे दोनों में। तो दोस्तों वो उसके पास शायद 4x या 3x या 6x इस तरह कोई स्कोप होगा, इसमें थोड़ा डैमेज आपको जितना सांप देखेगा उतना डैमेज अच्छा आएगा। तो मैंने इधर सोचा कि इधर कोशिश करना बेकार है, लेकिन हम मेरे जो दोस्त हैं ना थोड़ा आगे चले गए मारने के लिए। तो देखो इधर से 3 नंबर नॉक हो गया कि दूसरे साइड में बंदा आ गया, लेकिन वो स्क्वाड जो अलग एक स्क्वाड था उसको मैंने एक तो नॉक किया, दूसरे को डैमेज दिया, लेकिन अचानक वो 3 नंबर को मेरा फिनिश कर दिया भाई दोस्तों। तो मैंने सोचा भाई यार वो तो नॉक है, तो उसे मैं एक वेयर हाउस में जाके सीधा रस मारता हूँ, क्योंकि 3 नंबर के ऊपर जो वाले बिल्डिंग में, देखो मेरे ऊपर गोली चला रहा है, तो उसे पता चल गया मैं आ गया हूँ उसके बिल्डिंग में, लेकिन यार घुसना ही तो है, लेकिन मैं ही अकेला बचा हूँ, क्या कर लूँगा, तो कैसे भी करके मैच तो निकलना पड़ेगा। तो इसे नॉक कर देता हूँ, शॉटगन तो थोड़ा अच्छा चला, लेकिन यार पीछे से इतना डैमेज पड़ रहा है क्या बताऊँ। तो अभी जो 2 नंबर बचा था इधर भी फिनिश हो गया, तो मैंने सोचा कि नहीं, जो उसे रिवाइव दे रहा है 2 नंबर के साइड में, उसे ही पहले मार देता हूँ। तो फाइनली बस को अच्छा चल रहा है, 2x है तो क्या हुआ। तो उसे नॉक करने के बाद दूसरे वो बंदा घर में आ जाता है, उसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तगड़ा डैमेज मुझे भी देता है, बट यार जो भी हो किल मिल गया इधर से 10 किल। तो सोचा आगे के चिकन डिनर कैसे निकालूं, क्योंकि वो 4 बंदे मैं अकेला हूँ, लेकिन वो अलग थे, सॉरी यार वो 2 बंदे थे, मैं एक था और एक अलग बंदा था, तो उसे मार के 2 बंदे रेडी हो गए थे। मैं थोड़ा एग्रेसिव मूड में था, शायद मार सकता हूँ क्योंकि शॉटगन चल रहा था आज, लेकिन क्या पता नहीं चलेगा मेरे हाथ में। और ये 4x का डैमेज कुछ जायरों की वजह से मैंने उसको काफ़ी डैमेज देने की तो कोशिश किया, लेकिन नहीं मार पाया। तो इधर कोशिश करते शायद निकल जाए, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं होगा। तो इसे देखो मैं कितना डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ असर नहीं हो रहा है दोस्तों।
तो सोचा कि अगर वो एक बंदा आगे है और दूसरा साथी उसका पीछे है, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ, वो भी शॉटगन से उसे नॉक करने के बाद उसे आराम से फिनिश कर दूँगा। लेकिन यार उसके पास ये गन था यार, वो भाई मशीन गन, फाइनली भाई उस गन से आगे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जो थोड़ा आगे आया तो मैं आगे निकल गया। तो चलो ऐसा होता है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट।